राइट, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल formed by the points, if the centroid of the triangle formed by the points A comma B, B comma C and C comma A is at the origin, then find if the centroid of the triangle formed by these point is at the origin, then find a cube plus b cube plus c cube. आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला किया है जिसमें ये आता था a cube plus b cube plus c cube किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. याद है बड़े वाला फॉर्मूला था? चैप्टर कट गया था. चलो ठीक है, देखो सर जो इसका फॉर्म हमें ये फाइंड करना है, लेकिन मैं फॉर्मूला यहीं पे लिख देती हूँ. इसके साथ थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ एक टर्म और आती है काफी बड़ी सी, ये फॉर्मूला. ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर ये पूरी टर्म इन दो चीजों के प्रोडक्ट के इक्वल है, अगर ये जीरो हो जाए तो ये पूरी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? जीरो. इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जीरो कब होगा? जब ए बी और सी का सम क्या होगा? जीरो. तभी ये होता है, अदरवाइज नहीं होता. तो ये फॉर्मूला यही कहता है आपको कि अगर तीनों का सम जीरो है तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी. इसका आंसर ये आएगा. ठीक है, आंसर ये जो आएगा ना ये दिया हुआ है, लेकिन अब कंडीशन ये है कि इन तीनों का सम जीरो होना चाहिए, तभी ये आएगा. अब ये चेक करना है कि इन तीनों का सम जीरो है या नहीं. अब यहां देखो, कहता है जो इनका सेंट्रॉइड है ना सबका, वो ओरिजिन पे है, मतलब जीरो कॉमा जीरो सेंट्रॉइड गिवन है. सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? थ्री. ये फॉर्मूला लगाएंगे अब, ये हटा रहे हैं, ये फॉर्मूला है कि अगर तीनों का सम जीरो हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब थ्री ए बी सी के इक्वल होता है. आंसर यही है थ्री ए बी सी, लेकिन चेक करना है कि सम जीरो है या नहीं. ठीक है, वो देखो, सेंट्रॉइड ये है सेंट्रॉइड, और हमारे अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? a ये b ये c, ए बी सी अपॉन थ्री, यहां पे भी आएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन थ्री इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो. इसका मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट के साथ जब कंपेयर करोगे तो ए बी सी का सम क्या हो जाएगा? जीरो. और अगर जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आ जाएगा? थ्री ए बी सी. क्या आ जाएगा? तो आंसर है थ्री ए बी सी, लेकिन सम जो शो किया दैट इज शोड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड. ए स्क्वायर कैसे आएगा जब फॉर्मूले में है ही सेंट्रॉइड तीन वाला, तो फिर दो तो आई तो सिंगल वाला फॉर्मूला नहीं, फिर वो लगाओगे a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square, लेकिन होगा नहीं, कंडीशन नहीं बनती ना. इंडिविजुअल नहीं फाइंड कर सकते, तीनों का सम जीरो आ रहा है तो a plus b equal to minus c आ जाएगा,
ऐसे आ सकता है, इंडिविजुअल वैल्यू नहीं आ सकती, कहाँ से आएगी? कुछ दिया भी तो होना चाहिए ना, दिया तो हुआ ही नहीं। कलम ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? सेकंड स्टार्ट कर लिया था ना। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और भी बताना था, ये देखो एक मिनट। जैसे ये क्वेश्चन है ना, ऐसी एक और भी है, उसमें ना क्वेश्चन तो मुझे स्टेटमेंट नहीं मिली, लेकिन एक रिजल्ट है 9th क्लास में, ट्रायंगल चैप्टर में, कि अगर किसी लाइन के ए और बी कोऑर्डिनेट गिवन है, कुछ भी जो भी गिवन है, इस लाइन का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो ना, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर इसके ऊपर कोई लाइन है, इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला अगर कोई भी पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस इससे क्या होता है? सेम होता है। तो ये रिजल्ट है कि अगर किसी लाइन के परपेंडिकुलर के ऊपर कोई भी पॉइंट है, तो उसका डिस्टेंस ए और बी से सेम होगा। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कि पी ए और पी बी क्या होंगे, सेम बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब एक और बात, हो सकता है आपको ये दिया हो कि ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। ठीक है, इसका डिस्टेंस निकाले ना, वाई आ जाएगा मिसिंग। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम ऐसी है, यहाँ पे 2 और 3 कोई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 1 5 दिए हुए हैं। कहता है ए बी के परपेंडिकुलर के ऊपर जो पॉइंट आ रहा है, दैट इज ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। लेकिन जो रिजल्ट है ये आपने लगाना है कि परपेंडिकुलर के ऊपर अगर कोई पॉइंट आता है, तो उसका डिस्टेंस ए और बी से हमेशा सेम होता है। ये 9th क्लास में ट्रायंगल चैप्टर का रिजल्ट है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एक्चुअली ये कॉन्ग्रेंट हो रही है ना ट्रायंगल, कुछ ना कुछ दिया भी होगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, उससे वो डिस्टेंस सेम आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? हाँ, बस वाई निकाल देना, बस यही करना है। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा है कि परपेंडिकुलर के ऊपर एक पॉइंट है, वो निकालो, बाकी कुछ नहीं दे रखा, लेकिन ये जरूर बताया हुआ कि वो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। PA इज इक्वल टू PB करके Y फाइंड कर लेना। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ टी, एफ टी का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल इन टी। एफ दे रखा है नेम, नेम तो कोई भी दे सकते हैं, क्यू भी दे सकते हैं, जी भी, एच भी, कुछ भी। पॉलिनोमियल इन टी है, अल्फा बीटा इसकी जीरोज हैं, आपने फाइंड करना है अल्फा रेज टू पावर 4 बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा रेज टू पावर 4, ये फाइंड करना है। अल्फा बीटा इसकी जीरोज हैं, जब भी जीरोस दे रखी है, सबसे पहला एक काम करना है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लेना, वो यूज कर लेना यहाँ पे। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? बहुत इजी है ये, देखने में ऐसा लग रहा है इजी है ये। क्या करेंगे? इसमें से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ जीरोस, क्या होता है? कल बताया भी था, माइनस बी बाय, और अल्फा बीटा क्या होता है, ये फाइंड कर लो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको यूज करना है। वो तो करनी है, लेकिन ये सॉल्व कैसे होगा? वो यूज करना है, उस इसको उस फॉर्म में बनाना है। कैसे? बहुत इजी है, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आएगा? एक अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इसमें से अल्फा बच जाएगा, इसमें से भी। ये क्या है? सम ऑफ जीरो। इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल क्यूब, लिख सकते हैं। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्या है? सम ऑफ जीरो। पुट कर दो, आंसर आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो दिया होगा, उसमें से वैल्यूज निकालनी है, यहाँ यूज करनी है। करो सॉल्व जल्दी। हाँ जी, माइनस बी बाय ए, इसकी वैल्यू माइनस, सेम बी की वैल्यू क्या है? -4। ए की वैल्यू क्या है? 1। 4 आ गया, ये 4 आ गया। अल्फा बीटा सी बाय ए, 3 बाय 1, दैट इज 3 आ गया। यहाँ पुट कर दो, 3 क्यूब। 3 क्यूब क्या होता है? 27 इंटू 4,
सिक्स 68। ठीक है 68 तो आ ही नहीं सकता, 17 4। ठीक है बस 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 ट्राई की है ना, बस आपने तो वो भी नहीं किया, क्या मल्टीप्लाई किया था, क्या आ रहा था 108। चलो कोई नहीं, आपने भी ट्राई किया, ठीक है चलो लिखो नेक्स्ट। अच्छा कल एक क्वेश्चन किया था याद है, अल्फा बीटा पॉलिनोमियल की जीरो थी, यू हैव टू फाइंड द अनदर पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। उसमें क्या करना था, सेम ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना था, फिर 3 अल्फा प्लस 3 बीटा सम ऑफ जीरोज निकालना था, 3 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा आ गया, जो पहले में से अल्फा बीटा सपोज करो यही वाला ही 4, यहाँ 4 पुट कर दो, कितना आ गया 12। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 अल्फा इंटू 3 बीटा का प्रोडक्ट क्या आएगा, 9 अल्फा बीटा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं, 2 जीरोस आ गई हैं, उनका सम निकाल लो, उनका प्रोडक्ट निकाल लो, उससे भी हो जाएगा। ठीक है पर सबसे बेस्ट वे ये है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फैक्टराइज अगर गलत है तो जीरोस रॉन्ग है, सम रॉन्ग है, प्रोडक्ट रॉन्ग है, तो सबसे इजी यही है कि वो वाले को यूज किया करो, कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आता है आप करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 9 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है 3, 9 3 27, पॉलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इनटू, आएगा के, आएगा के कि नहीं आएगा, कैसे आएगा के, ठीक है, पर अगर वहां पे ऑप्शंस होंगी तो एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज कर रही है, वैसे के आएगा। बुक में सेम क्वेश्चन दिए तो हुए हैं, 1 पॉइंट पता नहीं 2 एक्सरसाइज में शायद 2.2 में, जिसमें बहुत सारे सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं पॉलिनोमियल्स फॉर्म करने, के आएगा साथ में। ठीक है चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ, ऐसे भी नहीं आएगा भाई, बोथ वाला आएगा, वो जो फिर के वाला आएगा, क्योंकि जो जिसके साथ के नहीं है वो भी तो उसका पार्ट है, फिर के वाला आएगा। ऐसे ही जैसे आपने ये पूछा, यहाँ पे एक ना क्वेश्चन है उसमें कहता है, एक मिनट मैंने मार्क भी किया था, एक पॉलिनोमियल है क्यूबिक, उसकी कहता है कितनी जीरोज आएंगी, किस एटमो क्या आएगी, ये जीरोस नहीं था कुछ और था, देखती हूँ मैंने सर्कल किया भी मिल जाएगा, मैं करवाती हूँ। हाँ जी हाँ आ सकती है, फिर वही के वाला आंसर ही तो होएगा, मैं तभी तो के, हाँ 99 वाला, हाँ वो मैं करवाऊंगी, मैंने तो अभी देखा ही नहीं, लेकिन वैसे आंसर उस दिन आ गया था जो उसका डिनोमिन वो रिमाइंडर आ रहा था ना, 63 आ रहा था, जो रिमाइंडर था ना 5, वो उसने प्लस कर देना है, आपका ये नंबर था ना 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर था, उसको आपने जो HCF था 72 उससे किया था डिवाइड, रिमाइंडर आ रहा था 63 और रिमाइंडर 5 चाहिए था, 5 प्लस कर दिया, कितना हो गया 68 हो गया, इसमें से 68 माइनस कर दो, आंसर आ गया 999 41, ये आंसर था उसका। ठीक है कटिंग करके कट फिर चेक करना, ऐसा हो नहीं सकता, 999 नहीं, फिर पता क्या करेंगे, फिर करेंगे माइनस, यहाँ करेंगे 58, यहाँ आ जाएगा 4, क्या आएगा माइनस, एक्चुअली पता क्यों, देखो इधर रिमाइंडर पहले से ही 63 बच रहा है, वो कहता है कि डिवाइड करने के बाद भी वो 5 रिमाइंडर लीव कर रहा है, ये ऑलरेडी रिमाइंडर है, 5 और चाहिए, तो इसमें से कम, ये तो बच रहा है ना पहले से ही, तो 5 रिमाइंडर कम करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि जो नंबर है ना ये वाला,
ना तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, वो कहता है ये जो आंसर है ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, लेकिन ये 5 रिमाइंडर लीव कर रहा है, तो इसका मतलब अगर आप इसमें 5 प्लस करते हो तो जाके 5 रिमाइंडर बचेगा। ये तो पूरा डिविजिबल है ना, आपने माइनस कर दिया सब कुछ, ये पूरा डिविजिबल है 72 से, जो 72 HCF है उससे, लेकिन ये कहता है कि डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, इसका मतलब ये वाला 5 इसमें क्या होगा ऐड, तो आपको ये वाला नंबर बताना है ये वाला, ठीक है। एक इसका ना और भी मेथड होता है, मैं वो चेक करूंगी, तभी नहीं करवाया था ये, वो चेक करके एक स्मॉलेस्ट और एक लार्जेस्ट वाला दोनों क्वेश्चन दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैंने सर्च किया था, क्वेश्चन नहीं मिला अभी तक ऐसा कोई और जैसे चाहिए था कि कंपैरिजन बताने के लिए, मैं सर्च करके वो करवा दूंगी आपको। अच्छा अब लिखो, फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। एक्चुअली जीरोज फाइंड करना क्यूबिक की वैसे आपको नहीं है, लेकिन आपने फैक्टराइजेशन चैप्टर किया हुआ है पहले वाली क्लास में, तो सेम वैसे ही है, फैक्टराइज ही करना इसे, और आपने 9th क्लास में फैक्टराइजेशन भी की हुई है पॉलीनोमियल चैप्टर के स्टार्टिंग में कि क्यूबिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइज कैसे करनी है। आइडेंटिटीज नहीं करी होंगी लेकिन फैक्टराइजेशन जरूर करी होगी, बाकी की ठीक है। फिर ये 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि हाँ क्यूबिक पॉलीनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, पहले ट्रायल मेथड से, फिर एक जीरो आ जाती है, फिर उससे डिवाइड करके रिमेनिंग जीरो आ जाती है, लेकिन ये डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। एक्स क्यूब माइनस एक्स की जीरो क्या होंगी, एक्स कॉमन, एक्स स्क्वेयर माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये क्या है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक आ गया एक्स इक्वल टू जीरो, दूसरा आ गया माइनस वन, तीसरा आ गया वन, तो 3 जीरोस आ गए। क्यूबिक पॉलीनोमियल है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तीन जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, एक जीरो पे, एक माइनस वन पे और एक वन, और वाई एक्सिस के लिए जीरो है ही नहीं, करेगा ही नहीं इंटरसेक्ट, तो ये एक्स एक्सिस को तीन जगह पे कट करेगा, तीन जीरो है इसकी, जीरो माइनस वन और वन, और यही तीन जगह पे ग्राफ कट करके जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे होगा, एक एक्स एक्सिस ओरिजिन से, एक माइनस वन से और एक प्लस वन से, ये माइनस वन, ये जीरो, ये प्लस वन, ऐसा ग्राफ बनेगा क्यूबिक का, ठीक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा क्या बनता है, कल एक और चीज बताई थी, अगर ए ग्रेटर देन जीरो हो तो पैराबोला अपवर्ड बनता है, ए लेस देन जीरो तो पैराबोला डाउनवर्ड बनता है, और अगर पैराबोला किसी भी एक्सिस पे कट नहीं कर रहा तो इसका मतलब नो जीरो, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, फिर आएगी, अगर टच कर रहा है ऐसे फिर आएंगी कितनी, वन जीरो, बोथ आर इक्वल, आएगी वन जीरो ही क्योंकि तो आंसर सेम होगा, लेकिन बोथ आर इक्वल, सपोज ये वन पे कट कर रहा है तो दोनों ही दो जीरो लिखोगे आप, वन जीरो, दो जीरो नहीं लिखनी, इतनी वन ही है, लेकिन दोनों सेम होगी, वन कॉमा वन, क्लियर है, बुक में लिखा हुआ है, तभी आपको कहा था रीड कर लेना एक बार, किया नहीं होगा वैसे आपने, लेकिन हो सके तो कर लेना, ठीक है, क्योंकि जब कुछ और आएगा ना एक्स्ट्रा फिर आप कहोगे हमें आता नहीं था, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, आपको आना कहाँ से है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, कहीं से भी पेपर आ सकता है, आपने पढ़ना है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं हो ना, हम अपनी तरफ से जो जो हमें मिलता है हम सारा कुछ करवाएंगे, लेकिन आप भी तो एफर्ट करो। लिखो नेक्स्ट, हाँ जी, प्लानिंग करनी है पता ही है, चलो लिखो, बस बस बस, पॉलीनोमियल लिखो, एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस के, वेयर के ग्रेटर देन जीरो, के ग्रेटर देन जीरो, के ग्रेटर देन जीरो मतलब के पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके फोर ऑप्शंस हैं, जो इसकी जीरोज है कहता है बोथ पॉजिटिव हैं, बोथ नेगेटिव हैं, बोथ इक्वल या बोथ अनइक्वल, बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, बोथ इक्वल, बोथ अनइक्वल,
हाँ जी देखो, जब जीरोस की बात कर रहे हैं, जीरोस जब भी कहता है क्या निकालते हैं सबसे पहले, आज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या बोला था, जब जीरोस कहा जाए तो पहले सम और पहले प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, क्वेश्चन बाद में, पहले सबसे पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेना। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, माइनस के आएगा, अल्फा बीटा क्या आएगा, के। अब सम आ रहा है माइनस के, प्रोडक्ट आ रहा है के, लेकिन के पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव हो जाए, मान लो दोनों नेगेटिव हो, जैसे इसका एग्जांपल देखो, जैसे -1 और -3 आ जाए, दोनों ही -4 आ जाएगा, इधर माइनस के है, ये कट जाएगा, के पॉजिटिव हो गया। और अब यहाँ पे दोनों नेगेटिव लिए, यहाँ दोनों पॉजिटिव ले लो, तो दोनों का प्रोडक्ट भी के आएगा। इसका मतलब अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और हो सकते हैं। कौन सी ऑप्शन आएगी, एक मिनट इधर देखो, मैंने यहाँ नेगेटिव एग्जांपल दिया, यहाँ नेगेटिव पुट करो तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव लोगे तब भी आएगा। इसका मतलब आपकी ऑप्शन जो सूट करती है वो कौन सी है, बोथ नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव के लिए तो ट्रू ही है, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो डिपेंड करते हैं सब कुछ अल्फा बीटा के ऊपर। तो अल्फा बीटा अगर सम में भी नेगेटिव पुट करते हो तब भी इक्वल आ रहे हैं, प्रोडक्ट में भी नेगेटिव पुट करते हो तब भी सेम आ रहे हैं, तो बोथ क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, बोथ पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पॉजिटिव लेते हो तो के नेगेटिव बन रहा है यहाँ पे, लेकिन के नेगेटिव तो है नहीं, के पॉजिटिव है, दिया हुआ है के ग्रेटर देन, तो इसका मतलब पॉजिटिव नहीं हो सकते, नेगेटिव ही होना पड़ेगा, और दोनों सेम भी नहीं हो सकते, सेम मतलब सेम साइन वाले वो भी नहीं हो सकते, दोनों अनइक्वल भी नहीं हो सकते, साइन का ही वेरिएशन देखना पड़ेगा, तो बोथ नेगेटिव आएगा ऑप्शन। लिखो नेक्स्ट, टू ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इफ टू ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी, इफ टू ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर इक्वल टू जीरो, फाइंड द थर्ड जीरो। क्यूबिक की कितनी जीरोस होती हैं, थ्री, उनमें से दो क्या है, जीरो है, तो थर्ड फाइंड करो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्यूबिक में तीन फॉर्मूले होते हैं, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा। अब आपने सपोज अल्फा बीटा जीरो है, गामा फाइंड करना, ये इसमें अल्फा बीटा ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो सॉल्व तो इसके इक्वल कर सकते हो, इसमें अल्फा बीटा अगर जीरो है तो थर्ड वाला माइनस डी बाय ए, ठीक है, इस वाले से देखो माइनस डी बाय, अगर ये दोनों जीरो हैं तो गामा क्या आएगा, माइनस डी बाय, तो इसकी ऑप्शन है माइनस डी बाय ए, सी बाय ए, माइनस बी बाय ए, या बी बाय ए, वो आ जाएगी, नहीं आएगी ना, क्योंकि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, इक्वल टू क्या आएगा, सी बाय ए, तो हमें फाइंड करना है गामा, या वो हमने तो रिमूव कर दिया, तो फाइंड क्या करेंगे, यहाँ पर भी रिमूव हो जाएगा, तो इन दोनों से नहीं आएगा, इससे आएगा, गामा फाइंड करने के लिए इक्वेशन में गामा होना भी तो चाहिए ना, इसलिए। लेकिन ये जो लेटेस्ट है ये देखो दिए हुए सारे, बिल्कुल लेटेस्ट अभी आया, दिए हुए हैं, इससे थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो आपको करना ही है ना, बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, कुछ आ जाएगा फिर क्या करोगे, कौन सा के ए वाला, ला कौन से, नहीं इतना बड़ा वैसे क्वेश्चन क्यों करने हैं, फाइंड करने वाले जैसे कर रहे हैं ऐसे ऐसे कर लो, ये सैंपल पेपर में यही दे रखे हैं जैसे मैं करवा रही हूँ आपको, बिल्कुल लेटेस्ट है ये, अभी इसमें से जो जो जैसा दे रखा है वैसे वैसे टाइप कर लो,
केस स्टडी जो एजर्शन वाले क्वेश्चन है सारे ऐसे ही दे रखे हैं। अच्छा आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है तो वो भी कर लेना, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो एक बार रीड कर लेना, ठीक है? वो उसमें भी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वैसे कवर हो जाएंगे, लेकिन कई बार होता है कोई एक दो चीजें अगर रह जाती है तो एक बार नजर मार लेना, आप कुछ डाउट हो तो ले आना। वो क्वेश्चन मुझे लगता नहीं वैसे आपको, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते इस टाइम पे, तो ऐसा सिचुएशन है कि क्या आ जाए कुछ नहीं पता। लीनियर और क्वाड्रेटिक, लेकिन क्यूबिक सब कुछ दे रखा है इसमें, क्यूबिक के तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। चलो मैंने एक बार वैसे ही बताना था कि मैंने बता दिया, मैं और क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के करवा देती थोड़े से। लिखो, राइट डाउन, बस करो। If one of the zero of a quadratic polynomial, if one of the zero of the quadratic polynomial is zero, find the other. जैसे एक क्यूबिक की अदर जीरो फाइंड की है ना, ऐसे ही अब क्वाड्रेटिक की करनी है, लेकिन इक्वेशन ये है, इक्वेशन सेम नहीं आएगी, इक्वेशन आपने निकालनी है। एक जीरो दी हुई है अल्फा, दैट इज जीरो, फाइंड बीटा। जैसे सेम पिछले क्वेश्चन में किया है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए, क्या होगा? माइनस सी बाय बी, ये जीरो है तो बीटा क्या आ जाएगा? ठीक है, किसी पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करनी हो क्या करोगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करोगे, फैक्टराइज करोगे। जीरो फाइंड करने का मतलब है फैक्टराइजेशन करनी है आपने, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेना, क्या आएगी? थ्री और टू आएगी, थ्री टू, ठीक है, फैक्टराइज कर लेना। इफ द प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया, नेक्स्ट लिखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक मिनट रहने दो, क्यूबिक है ये, रहने दो, और करते हैं क्वाड्रेटिक लिखो। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स स्क्वायर स्क्वायर, ये एक्स प्लस बी, इसकी जीरोस हैं 4, -3, फाइंड ए बी। 4, -3 इसकी जीरोज हैं, ए है, ए बी, 4 और -3 इसकी जीरोज हैं, ए आया है -2, बी बी क्या हुआ? ये 4 इसकी 0 है, क्या करेंगे? दो मेथड है, या तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ए बी में इक्वेशन बन जाएगी, ये भी पुट कर दो, ए बी में एक और इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सॉल्व कर लो। दूसरा मेथड है, टू जीरो दे रखी है, इनका सम निकाल लो, इसको सम के साथ कंपेयर कर लो, इनका प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर लो, ये भी आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, पुट करके भी कर सकते हैं, मेथड सेम है। सम वाला ज्यादा इजी है, अगर दोनों का सम फाइंड करते हो क्या आएगा? वन। दोनों का सम फाइंड करते हो क्या आएगा? वन। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी
अपॉन ए, ये आ गया माइनस ए, माइनस वन इज इक्वल टू वन, टू इज इक्वल टू माइनस ए, ए आ गया माइनस, एक तो ये आ गया। अब आ जाओ प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू सी बाय ए, सी बाय ए मतलब बी आ गया, डायरेक्ट ही आ गया। पुट करके दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करोगे ज्यादा हो जाएगा लॉन्ग, कोई बात नहीं, गलत किया होगा, आंसर यही आएंगे, जैसे मर्जी सॉल्व करो आंसर तो सेम ही आएंगे। हाँ जी, वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा माइनस थ्री अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से। अल्फा बीटा क्या है, जीरो, और जब भी जीरो की बात करते हैं क्या फाइंड करते हैं, सम और प्रोडक्ट, वहां से सम और प्रोडक्ट फाइंड करो और इसमें यूज करो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अरे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वैल्यू कैसे डालोगे, अल्फा बीटा की अलग अलग तो है नहीं आपके पास, इसका एलसीएम ले लो या इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लो, वैसे हो नहीं रहा, होगा ही नहीं, दिख रहा है। अच्छा, अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा माइनस थ्री अल्फा बीटा, ये क्या है सम, ये क्या है प्रोडक्ट, ये क्या है प्रोडक्ट, पुट कर दो वैल्यू, थोड़ा ना सोचना शुरू करो, ऐसे ही बैठे रहे तो पेपर मैंने देने सबके। मॉर्निंग में कहाँ बैठे थे आप, फर्स्ट पीरियड में, आगे भी बैठ के देखो कभी कैसा फील होता है, वही तो मैंने पूछा सुबह से कहाँ बैठे थे आप, कहते वहीं बैठे। ये कहाँ बैठा था फर्स्ट पीरियड में, इसे ही बैठा रही है। अरमान हो गया क्वेश्चन, सीधे बैठो पहले तो, सम कितना आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, फाइव, अल्फा बीटा टू, यहाँ पुट कर दो, फाइव बाय टू माइनस सिक्स, टू पॉइंट फाइव माइनस सिक्स कितना आ गया, थ्री पॉइंट फाइव, सेवन बाय टू माइनस सेवन, ठीक है माइनस सेवन बाय, कर लिए सबने उधर, इमानी लिखो क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ, फाइंड द जीरोज ऑफ, अच्छा सम और प्रोडक्ट दिया हो तो जीरोज फाइंड कर सकते हैं, अगर सम और प्रोडक्ट दिया हो जीरोज फाइंड कर सकते हैं, कैसे बोलो, कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन करना कैसे ये तो बताओ, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, कैसे आएगी, वही तो पूछ रही हूँ मैं, ये तो पॉलिनोमियल बना रहे हो आप, मैंने पूछा इंडिविजुअल अल्फा बीटा आ सकता है, इक्वेशन अल्फा को बीटा की टर्म्स में लिख लो, उससे एक मेथड ये है कि अल्फा बीटा में से वैल्यू निकाल लो, या ये देखो सपोज मैं वैसे ही लिख रही हूँ ये, ठीक है ये दे रखो, यहां से अल्फा निकाल लो क्या आएगा, सेवन अपॉन बीटा, ये इधर पुट कर दो, या अल्फा की वैल्यू टू माइनस बीटा, अल्फा को यहां पुट कर दो टू माइनस बीटा इनटू बीटा इज इक्वल टू सेवन, क्वाड्रेटिक बन जाएगी बीटा स्क्वायर में, बीटा की वैल्यू निकाल दो यहां पुट कर दो अल्फा, हो जाता है सॉल्व, आना चाहिए ये भी, जीरो से सम आता है तो सम से जीरो भी तो आएंगी,
हाँ जी, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है क्या? ऐसे सम और प्रोडक्ट से, सम और प्रोडक्ट से फिर ऐसे करना पड़ेगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो इसको, 4 4 16 आएगा, इसके फैक्टर करो क्या आएंगे यहाँ पे? एट टू जा सिक्स आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4√2x प्लस 2√2x माइनस 16। कई नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका फैक्टर्स यहां से पता चल जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब यहां से पता नहीं लगता तो सेंटर वाले के फैक्टर करने हैं। या तो इसको लिख सकते हैं 3√2 और 1√2 जैसे मैंने पहले लिखा था, लेकिन प्रोडक्ट करके 16 नहीं बन रहा था, फिर आपको कोई और लेना पड़ेगा, 3√2 और 2√2 चेक कर लो, फिर इससे भी नहीं आ रहा था, 3 2 6 और 2 6 2 12 आ रहा, लेकिन हमें 16 चाहिए और इंक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए फिर यहाँ पे 2 लिया है, यहाँ 4 लिया है, 4 2 8 √2 × √2 क्या हो गया 2, 8 2 16। अब इसमें से कॉमन ले लो, बस मेन है फैक्टर फाइंड करने, कॉमन आपको लेना आता ही है। आंसर क्या आएगा? 4√2 और -2√2।